जिस पढ़ने से साहब न मिले वो पढ़ना है। और बड़ा ध्यान, डॉक्टर साहबान बहुत हैं, मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इंसानों की खिदमत करें। क्या इज्जत में कोई कमी नहीं डॉक्टरों की, है ना, है कि नहीं? पैसों की भी कोई कमी नहीं, लेकिन कभी लालच न करना। क्या क्या नहीं करना? और कभी किसी गरीब पर जुल्म न करना। सारे डॉक्टर तो नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल शिकायतें ऐसी आती हैं। फीस ले लिया हलाल, उसके लिए ज्यादा नहीं लेना चाहिए। क्या जैसा अपने लिए पसंद करो वैसे दूसरे। उसके अलावा अगर एक पैसा भी ले लेगा ना उससे, पेशेंट से किसी भी तरह से, हराम हो जाएगा। 3 पैसों के बदले में 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी महशर के मैदान में। बात समझ आ गई? क्या जरूरत है अब टेस्ट वाले से कह देना कि 450 इससे ले लेना, 150 मेरे खाते में जमा कर लेना, है ना? क्या पढ़ा हमने? मौला को पहचाना ही नहीं। हमदर्दी किस चीज का नाम है? पहले तो यही कहते थे कि हम कौम की खिदमत करेंगे, खिदमत का ही तो जुल्म है ना। इसे जरूर इसको सोचना चाहिए। अलखल्क अयालुल्लाह, क्या मखलूक तो अल्लाह का अयाल है, मखलूक तो अल्लाह का। हदीस में फअहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसन इला अयालिही, अल्लाह ताला को वो शख्स बहुत महबूब है जो अल्लाह के मखलूक के साथ, अयाल के साथ अच्छा सलूक कर ले। तो फिर उल्टा भी हो जाता है क्या? ये तो तय है गुम्बद की सदा, क्या जैसी कहे वैसी सुनिए। गुम्बद तो होता है ना गुम्बद, इसमें कोई आदमी गया और गुम्बद में कुछ कहने लगा तो वहां से वापस आती है ना आवाज इको। ये कायर साहब फरमाते थे है गुम्बद की सदा जैसी कहे वैसी सुनिए। कभी जो अमल आदमी करेगा यकीनन वही सुनेगा। क्या कहीं भी जरा सा जुल्म हो गया उसको भुगतना पड़ेगा दुनिया और आखिरत में। इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये एक बहुत ही आपके लिए मुबारक पेशा है, बात समझिए। इसमें इज्जत भी है, हर चीज है, लेकिन अपने लालच की वजह से कभी इस पेशे के साथ दगा नहीं होना चाहिए। क्या बेवफाई नहीं होनी चाहिए।